हाय गाइस, वेलकम बैक टू नोमी गेमिंग। तो भाई यार, काफी भाई काफी ब्रदर यार बोले थे यार, अगर भाई हम आईफोन भाई आईओएस के अंदर से ये पबजी मोबाइल का जो आईडी है ना यार, अगर जीमेल से भी हमारा जो पबजी मोबाइल है ना, काफी भाइयों का ब्रदरों का जो जीमेल है ना, जीमेल से आईडी बना हुआ है पबजी मोबाइल का। यार बोलते हैं भाई, हम अपना जीमेल आईडी को अगर पबजी मोबाइल से खोलना चाहे ना यार, लॉगिन करना चाहे ना, तो यार प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे कर सकते हैं यार। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे ना यार, आप लोग इजी से सीख जाओगे कि भाई कैसे लॉगिन करना है। बाकी वीडियो एंड तक देखना है, अगर एंड तक नहीं देखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगी। तो लेट्स गो भाई यार, सब्सक्राइब कर लेना अगर पबजी लवर हो तो। भाई सीधा हम चलते हैं अपनी सेटिंग की तरफ, एंड यहाँ पे हम लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद बाकी एक मेरी बात याद रखना, आप लोगों ने अपना ये अपनी जो आपका पबजी मोबाइल का अकाउंट है ना, इसको अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन करें, इसको अपने जीमेल से भी करें, फेसबुक से भी करें, जीमेल से भी करें, सबसे करें, ताकि आपका अकाउंट सेफ हो। फिर सबसे पहले तो भी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका मोबाइल से अपना नहीं है तो मोबाइल से भी अपना कर सकते हो। मैंने तो भी अपना मोबाइल से भी किया हुआ है। सबसे पहले भी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भी जीमेल पे आना है और यहाँ पे ईमेल लॉगिन पे आ जाना है। सबसे पहले तो भी आप लोगों ने क्या करना है, आपका जो पबजी मोबाइल का जो सही है जो जीमेल है ना, जिससे बना हुआ है, वो जीमेल बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं अपना जीमेल यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कोई भी गलती नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई आपका जो जीमेल है ना, वो लिख देना है। आगे जीमेल तो एक ही है, सबका एक ही जैसा लगता है, तो जीमेल इसी तरीके से आप लोगों ने भी लगा देना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के लिए आप लोगों ने ऑप्टेन कर लेने हैं। अगर वेरिफिकेशन कोड आ जाता है ना तो अच्छी बात है, फौरन ही आप लोग फिर लॉगआउट कर लोगे। वेरिफिकेशन कोड है ना, ये सिर्फ दिन के टाइम आता है और रात को नहीं आता है। आप लोगों ने क्या करना है, ये दिन में ट्राई करना है 10 बजे के बाद सुबह। अगर आप लोग दिन में ट्राई करते हो ना तो आसानी से ये कोड आ जाता है। रात को मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये रात को बना रहा हूँ, तो जो वेरिफिकेशन कोड है ना, रात को बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर जस्ट वेट कर लेता हूँ, भी नहीं आया वेरिफिकेशन कोड। अगर आना होता ना तो आ जाता है ईजी से। अगर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट मैं अभी तक वेट कर लेता हूँ, आ जाते देखते हैं आता है कि नहीं आता है कोड, अभी तक नहीं आया। देखो भाई कितना टाइम ले लिया यार, अभी तक कोड नहीं आया। आप लोगों ने क्या करना है, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लेना यार, क्या करें। वेरिफिकेशन कोड के लिए भी हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यार जो रात है ना, रात के टाइम ये जो वेरिफिकेशन कोड है ना, वो नहीं आता है। आप लोगों ने कोशिश यही करना है कि दिन के टाइम इसके लिए अप्लाई करना है। बाकी अगर वेरिफिकेशन कोड फिर भी नहीं आता है ना, तो आप लोगों ने क्या ट्रिक आजमाना है, वो ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 100% आपका जो जीमेल से ना, आपका इजी से लॉग आउट हो जाएगा, लॉग इन आप लोग कर लोगे इजी से। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट वेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा मैंने फिर से ट्राई की, लेकिन नहीं आ रहा है, छोड़ो भाई इसको। अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भाई आप लोगों ने क्या करना है, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने पासवर्ड यहाँ पे जो लॉगिन है इसके ऊपर आ जाना है। सबसे पहले तो आपका जो जीमेल है ना, जिससे पबजी मोबाइल बना हुआ है, वो अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देना है। एंड यहाँ पे जो आपका जो पासवर्ड है ना, वो यहाँ पे लिख देना है। जो आपका जीमेल का जो भी पासवर्ड है ना, वो सही तरीके से यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड मैंने डाल दिया, अभी मैं जस्ट यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपसे ये एक ऐसा पजल आपको देगा, वो पजल भाई आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे सेट कर लेना है। बस तो यहाँ पे मैंने ये पजल सेट कर लिया, एंड पजल सेट करने के बाद यहाँ भी अभी आप लोग देखना ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, पता नहीं क्या लिख दिया स्पेशल एक्टिविटी। तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर ओके कर लेना है। टैप करोगे, जैसे ही आप लोग टैप करोगे यहाँ पे ट्राई अगेन आफ्टर 4-5 सेकंड आप लोगों को दिया जाएंगे। 4-5 सेकंड देने के बाद अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर टैप कर लेना है। यहाँ पे ये जो नहीं दो पासवर्ड दिए, तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी पासवर्ड अपना लगा देना है। याद रखना वो पासवर्ड आप लोगों ने याद करना है, वो पासवर्ड भूलना नहीं है। तो दो दफ़ा ये एक यहाँ पे सेट पासवर्ड पे लगाओगे, दूसरा भी यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड लगाओगे, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो मांगेगी ना, वो ईजी से आसानी से उस टाइम पर आ जाता है, ये वाला वेरिफिकेशन कोड। तो आसानी से अपना जीमेल से फिर आप लोग अपना लॉगिन कर पाओगे भाई। बाकी मेरा जो अपना अकाउंट है ना, वो भाई अपना मेरा मोबाइल नंबर से बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर से अपना इजी से अभी आपके सामने ये देखो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जस्ट 2 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगता है, मैं अपना यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। नंबर लिखने के बाद बस मेरा जो पासवर्ड है ना, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो ईजी से जहाँ पे जो मेरा अकाउंट है ना, वो लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पे पजल मैं सेट कर लेता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पे फिर वेट कर लेता हूँ। तो इजी से अभी आप लोग देखना यहाँ पे मेरा जो पबजी मोबाइल का अकाउंट है ना, वो खुल गया। मेरा मोबाइल नंबर से यहाँ पे ये सेट किया हुआ है।
अगर आप लोगों ने अपना मोबाइल से अभी तक अगर सेट नहीं किया ना, तो यार अपना मोबाइल नंबर से भी सेट करें ताकि आप लोगों को आसानी हो। मोबाइल नंबर से बहुत आसानी होता है।